सगळ्यांना जेवणाचं बोलवायचं आहे. जेवण तयार आहे सर्वांनी. भाविक भक्तांनी जेवणाची सोय केलेली आहे. जेवणासाठी सर्वांनी जायचं आहे. एकदा जोरदार टाळ्या वाजव ढोलकीवाल्यासाठी. ढोलकीवाल्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजव. बिल्कुल. सबसे पहले मुझे आते ही मुंबई माता जी के दर्शन करने के लिए मिले और सबसे ज़्यादा जो है मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को यहाँ इन्होंने इनवाइट किया और माता जी की वैसे मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ एंड थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए. Thanks, शुक्रिया. Thanks. जी और मैं उनके साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा माता जी के लिए कोई भी फंक्शन होता है तो मैं हमेशा अक्सर आती हूँ और बहुत अच्छा लगा. ये सेकंड टर्म है जब आप पंजाब से मुंबई आई हैं. हाँ जी. खास वजह? खास वजह मुंबई में एक मेरा म्यूजिक हिंदी एल्बम आ रहा है. mm-hmm. जो 26 को शूट होने वाला उसी के विषय से यहाँ पर आई हूँ. अच्छा अच्छा जी. तो ये बताइए कि कितना बदल गया है मुंबई या वैसे ही है कोरोना से पहले वाला? नो मुंबई बहुत डेवलपमेंट हुआ है और मुंबई बहुत अच्छा बन रहा है पहले से. अच्छा जी. आप बताइए कि आई हैं सानिया जी आपके यहाँ? नहीं, सानिया जी आए हैं तो बहुत अच्छा लगा हुआ है हमको. हम दिल से उनको चाहते थे कि वो आए हमारे पास और हमारे ट्रांसजेंडर लोगों का उनके पीछे हर टाइम दुआ बना रहेगा. यही है सानिया जी. बहुत कम होता है कि ऐसे कम्युनिटी को जो है बहुत कम लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं. आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पेशल मोमेंट है? देखो मैं हर इंसान के लिए एक ही बात कहूँगी क्योंकि हर एक ही इंसान है, एक ही ब्लड है, एक ही सब कुछ है. तो कोई इसमें भेदभाव ना करे. दुनिया पर अगर आए हैं तो इंसान ही है ना. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, भेदभाव करने की कोई बात भी नहीं. और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी बट लेकिन मुझे अच्छा लगता है बस. एंड थैंक यू. इतना सम्मान दिया आपको जी. पूजा हुई, गुरु जी का आशीर्वाद जी. तो कुछ और आपका वर्क वगैरह से रिलेटेड गुरु जी से मांगा, कुछ आशीर्वाद दिया? इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है और दुआ करूँगी भी मुझे आशीर्वाद देते रहें और हमेशा मेरे पे इनकी दुआ बनी रहे. एंड थैंक यू सो मच. थैंक्स. थैंक यू. आपके वर्क से रिलेटेड अगर बात करें तो पंजाब में आपने कितना काम? पंजाब में मैंने 100 म्यूजिक एल्बम शूट किए हैं जो ऑन टीवी स्क्रीनिंग पे भी चले हैं. काफ़ी रहे हैं जो मिस पूजा का दुग दुग एल्बम 2 का और हनी सिंह का यार बथेरे और लाउड ऑफ म्यूजिक एल्बम. हाँ जी. अभी हिंदी मूवी आ रही है जो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि जब तक ऑन स्क्रीनिंग नहीं हो तो उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट. थैंक यू. थैंक यू. शुक्रिया. एंड थैंक यू सो मच आप सबको यहाँ आने के लिए. शुक्रिया.